Hi guys, hi all. Today we will discuss about phasor diagram using RMS values. जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने फेजर डायग्राम को फेज डिफरेंस को अच्छे से स्टडी कर लिया था, तो उसी का कुछ पोर्शन रह गया था लास्ट लेक्चर में, उसको आज स्टडी करा देते हैं। उसके बाद आपको समझाएंगे कि अल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्टेंस पे लगाते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, इंडक्टर पे लगाते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, और कैपेसिटर पे लगाते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। उसी के साथ साथ आपको फेजर भी समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देखिए, फेजर डायग्राम यूजिंग आरएमएस वैल्यूज, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं। हमने आपको बताए थे कि 325 वोल्ट जो है आपकी वो क्या है, वीएम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सिंगल फेज के लिए, ठीक है। यानी जो वहां जनरेटर पे प्रोड्यूस होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी सिंगल फेज का, वहां होता तो वैसे थ्री फेज का है लेकिन उसमें से हमने सिंगल फेज निकाल लिया है, ठीक है, कैलकुलेट करके। और 230 वोल्ट क्या है हमारी, 230 वोल्ट है आरएमएस वैल्यू, और इसमें से 207 वोल्ट निकल के आती है क्या, एवरेज वैल्यू। सिंगल फेज के लिए 325 वोल्ट क्या आती है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू, 230 वोल्ट आती है आरएमएस वैल्यू, और 207 वोल्ट आती है आपकी क्या, एवरेज वैल्यू। तो ये जो आरएमएस वैल्यूज होती हैं भैया, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। कभी भी हम इलेक्ट्रिकल की स्टडी करते हैं, चाहे हम कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उस पर 230 वोल्ट लिखा रहता है, 230 वोल्ट एसी, ठीक है। तो कभी भी हम आरएमएस वैल्यू ही चेक करते हैं किसी भी कंपोनेंट की या किसी भी मशीन की, ठीक है। तो इसीलिए इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू ये इंजीनियर्स का काम है, आम आदमी सिर्फ आरएमएस वैल्यू चेक करता है। इंजीनियर्स कैलकुलेट करने के लिए, लॉसेस वगैरह निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू का पता करते हैं, ठीक है, समझे बात। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होती है वो आरएमएस वैल्यू ही होती है। तो जो फेजर लिखे जाते हैं वो हमेशा आरएमएस वैल्यू की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की फॉर्म में फेजर लिखा जाता है। आई बात समझ में। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे कि सर 325 वोल्ट 230 वोल्ट बोलते हैं, 207 वोल्ट हैं, ये मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है भैया, जब जनरेटर पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, यानी बिजली पैदा होती है, तो वहां रियलिटी में थ्री फेज की पैदा होती है, जिसको बोलते हैं हम 440 वोल्ट। हमारे गाँव में थ्री फेज की इलेक्ट्रिसिटी कितनी आती है, 440 वोल्ट, समझे बात। तो 440 वोल्ट तो हम यूज कर नहीं सकते, बल्ब जलाना है तो सिंगल फेज यूज करेंगे, तो उसमें हम कितना करते हैं, 230 वोल्ट। तो वो जो 440 वोल्ट है थ्री फेज का, वो रियलिटी में जहां पैदा हुआ है वहां 440 वोल्ट नहीं, उससे कहीं ज्यादा पैदा होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। भाई 440 वोल्ट तो लॉसेस होने के बाद पहुंचता है हमारे गांव या सिटी तक, ठीक है। वैसे ही अगर 230 वोल्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालें, भाई 230 वोल्ट सिंगल फेज का पहुंच रहा है ना, अगर उसकी भी हम मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो आएगा 325 वोल्ट। अच्छा, तो सर हमें मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू तो पता है, लेकिन ये एवरेज वैल्यू क्या फंडा है। एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझिए, आपके घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है वो क्या है, आरएमएस वैल्यू, यानी 230 वोल्ट। अब 230 वोल्ट एग्जांपल के लिए समझिए, आपके घर पे क्या आया, एक मैंगो आया, मैंगो बोले तो आम, मैंगो आया। अब मैंगो में उसके कवर भी होते हैं और अंदर उसमें फल होता है, तो जो कवर होता है उसे आप उतार कर फेंक देते हैं और अंदर अंदर का खा लेते हैं। तो भैया जो टोटल मैंगो है वो है आपकी क्या, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू यानी 230 वोल्ट। अब 230 वोल्ट में से जो वेस्ट है उसको आप निकाल के फेंक देते हैं ना मैंगो में से, आम में से, वैसे ही 230 वोल्टेज में से कुछ वेस्ट हो जाता है और 207 वोल्ट ही यूज हो पाता है हमारी अप्लायंसेस में, यानी मशीन चलाएं जो भी चलाएं, सिर्फ 207 वोल्ट ही यूज में आ पाता है, ठीक है। ये तो हुआ एग्जांपल समझने के लिए। अब हमारा टॉपिक है, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज ऑलवेज रिटन इन फॉर्म ऑफ आरएमएस वैल्यूज। कहने का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू लिखी जाती है कभी भी वो आरएमएस वैल्यूज की फॉर्म में ही लिखी जाती है। आपने देखा होगा 230 वोल्ट यानी सिंगल फेज के लिए अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। कभी भी मशीन पर देखना, मैंने स्क्रीन पर एक फिगर लगा दिया है, यानी कि ये जो इमर्सन रॉड का फिगर लगा दिया है, जो कि पानी गर्म करने वाली रॉड होती है, आपके घरों में सर्दियों में बहुत ज्यादा खरीदी जाती है, उस पर दिख रहा होगा आपको 230 वोल्ट एसी। तो वो क्या है आपकी, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। और थ्री फेज के लिए, आप तीन फेज की लाइन, जिसमें तीन वायर होते हैं थ्री फेज की लाइन में,
440 वोल्ट आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। तो कभी भी वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो होती है वो आरएमएस वैल्यू की फॉर्म में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमीटर एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज रीड आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यूज। एमीटर और वोल्टमीटर क्या होते हैं सर, कभी भी आपके घर पे इलेक्ट्रीशियन आया होगा, जब आपके घर की लाइट खराब हो गई होगी या जो भी खराब हो गया होगा, उसने दो पिन ऐसे लगा के देखी होंगी और एक छोटा सा उसके पास डिवाइस होगा, तो उसको बोलते हैं मल्टीमीटर। वो एमीटर का भी काम करता है और वोल्टमीटर का भी काम करता है, ठीक है। वो वोल्टेज और करंट को मेजर करके देखता है, देखा होगा उसके जब उसकी स्क्रीन पर कुछ वैल्यूज आती हैं लिख के, तो वो क्या होती है आरएमएस वैल्यू, वो मेजर करता है, ठीक है। कभी भी वोल्टमीटर और एमीटर आपके एवरेज वैल्यू मेजर नहीं करेंगे, वोल्टमीटर और एमीटर हमेशा और हमेशा आरएमएस वैल्यू ही मेजर करते हैं, ठीक है। जबकि जो वाटमीटर होता है, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए आपके घर के बाहर एक मीटर टंगा होता है, यानी कि मीटर देखा होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी मीटर जिससे आपका बिल बनता है महीने का इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, उसको बोलते हैं वाटमीटर। तो वाटमीटर इज ऑलवेज रीड एवरेज वैल्यूज, जो वाटमीटर होता है वो हमेशा आपके घर की एवरेज वैल्यू मेजर करता है। एवरेज वैल्यू तो बोले सर, वो सिर्फ इसको मेजर करता है, यानी जो यूज हुआ है, यानी कि जो अच्छा अच्छा है साफ साफ, यानी वेस्ट को यूज नहीं करता। यानी कहने का मतलब वाटमीटर इज ऑलवेज कैलकुलेट एक्टिव पावर, और जो बची हुई होती है वो रिएक्टिव पावर, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि वाटमीटर हमेशा और हमेशा एवरेज वैल्यू ही मेजर करते हैं, जबकि वोल्टमीटर और एमीटर हमेशा आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है। यहां से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो डिवाइस होते हैं, आपको मेजरमेंट में पढ़ाए जाएंगे डिवाइस, फिलहाल के लिए बता दे रहा हूं, मेजरमेंट के लिए अलग से बैच स्टार्ट किया जाएगा, उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक। फेजर्स इज ऑलवेज रिटन इन फॉर्म ऑफ आरएमएस वैल्यू, जब भी भैया फेजर लिखते हैं, फेजर बोले क्या क्या होते हैं, वोल्टेज और करंट को फेजर बोला जाता है, यानी वोल्टेज और करंट का दूसरा नाम फेजर होता है। जब भी हम फेजर लिखते हैं तो वो हमेशा आरएमएस वैल्यू की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी फेजर हमेशा आरएमएस वैल्यू की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, लेकिन अभी तक आपको फेजर देखने को नहीं मिला है। रियलिटी में फेजर होता क्या है, सिर्फ आपने इसका नाम सुना है कि फेजर, फेजर का मतलब क्या होता है अभी तक आप नहीं जाने। तो जितना हमने आपको ये लिखाया है, पढ़ाया है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अब ना भी लिखना अगर आपको आता है पहले से तो आप सिर्फ समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिक है, कभी भी फेजर को समझने से पहले आपको इस ट्रिक को बहुत ही अच्छे से सीखना होगा। ट्रिक क्या है, बहुत आसान ट्रिक है। आप जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वैसे ही आपके भाई लोग, आपके ही क्लासमेट सिविल इंजीनियरिंग भी कर रहे होंगे, ठीक है। सभी जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग होती है, तो वही क्या है, ट्रिक है सिविल, सभी को याद रखना है सिविल, सिविल को याद रखना, सी आई वी आई एल, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग का जो सी आई वी है वो कैपेसिटर को इंडिकेट करता है, और लास्ट का जो वी आई एल है, यानी वी दोनों ही में ही आएगा, सी आई वी और वी आई एल, तो वी आई एल किसको इंडिकेट करता है, इंडक्टर को। आपको पता है इंडक्टर का जो सिंबल होता है वो एल होता है, और कैपेसिटर का सिंबल सी होता है। तो भैया कैपेसिटर के लिए तो आप लोग सी आई वी, और इंडक्टर के लिए लोगे आप वी आई एल। अच्छा, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हम ले लेंगे, बहुत आसान है, ले लिया जी, सी आई वी और वी आई एल अलग अलग कर दिए, सिविल ट्रिक याद रखे हम। तो इसी का तो सारा फंडा है, आपको जब भी कैपेसिटर को पढ़ना है तो सी आई वी ट्रिक लगाएंगे, सी आई वी एल, और इंडक्टर को पढ़ना है तब भी आप सी आई वी आई एल ट्रिक ही लगाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, हमने आपको बताए थे कि करंट का सिंबल होता है I और वोल्टेज का सिंबल क्या होता है V, सभी को पता है करंट और वोल्टेज के सिंबल। अच्छा सर, तो कहने का मतलब यह हुआ, बहुत ही आसान है, कि जब भी आप कैपेसिटर पढ़ोगे, C से कैपेसिटर, I से करंट, V से वोल्टेज, जब भी कैपेसिटर की बात होगी तो उसमें करंट पहले आएगा और वोल्टेज बाद में आएगा। अच्छा, तो सर ये मतलब है कि कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। अच्छा, तो सर यहां लिख दीजिए ना, कि कैपेसिटर में जो करंट है वो लीड करता है, स्ट्रिक के अनुसार आई पहले आ रहा है इसमें, इसलिए इसमें लीड करता है, और वी बाद में आ रहा है तो वोल्टेज जो है लैग करता है।
वैसे ही जब हम इस ट्रिक को किसके लिए यूज करते हैं, इंडक्टर के लिए यूज करते हैं, तो उसमें क्या है, पहले क्या आ रहा है वी आई एल, तो वी का मतलब वोल्टेज पहले आ रहा है इसमें, देख लीजिए आप वोल्टेज पहले आ रहा है ना, तो वोल्टेज का मतलब वोल्टेज लीड करेगा जब भी इंडक्टर की बात होगी, और करंट बाद में आ रहा है तो करंट लैग करेगा। दोबारा से सीख लीजिए, सी आई वी यानी सी से कैपेसिटर, आई से करंट, वी से वोल्टेज, ऐसे ही तो पढ़ना होता है, यानी करंट पहले आ गया तो करंट लीड है, वोल्टेज बाद में आया तो करंट वोल्टेज लैग है। वैसे वी आई एल, वी से वोल्टेज, आई से करंट, एल से इंडक्टर, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है और इंडक्टर है, ठीक है। तो सी आई वी एल ट्रिक को हमेशा याद रखें जब भी आप कैपेसिटर और इंडक्टर को स्टडी करें। अब यहां से आपको पता चल गया, क्या पता चला, जब भी आप कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसमें करंट लीड करता है, और जब भी आप इंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें क्या है, वोल्टेज लीड करता है। लेकिन सर ये लीड और लैग का फंडा क्या है, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आप एक बार समझा दीजिए ना। हाँ बिल्कुल समझाएंगे, अब हम आपको समझाएंगे फेजर की सहायता से, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और जानना होगा, रेसिस्टेंस का फंडा, ठीक है। तो इसको यहां से नोट डाउन करिए और हम कर देते हैं इसको रफ। जब भी भैया रेसिस्टेंस की बात होगी तो रेसिस्टेंस का मतलब है लव, यानी कि इसके अंदर वोल्टेज और करंट के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, जैसे कि इंडक्टर और कैपेसिटर में होता है, समझे बात, यानी कि इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है, इसमें लीड और लैग का फंडा नहीं होता है, यानी कि ये हमेशा इन सेम फेज होता है, यानी वोल्टेज और करंट हमेशा मित्रता के साथ चलते हैं, लव के साथ चलते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया इसका मतलब लव, ठीक है। किताबों में नहीं है, ये हमारी ट्रिक है, समझे बात, यानी कि इसमें ना तो लीड होता है ना ही लैग होता है, लीड और लैग का फंडा सिर्फ और सिर्फ या तो इंडक्टर में होगा या कैपेसिटर में होगा। अच्छा सर, इंडक्टर और कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, ये हम समझ तो गए, कैपेसिटर तो पंखे के अंदर लगा होता है छोटा सा डिवाइस, और इंडक्टर क्या होता है भाई, इंडक्टर वो है जिससे आपका पंखा की कॉइल बनी हुई है, पंखे के अंदर आपने देखा होगा कॉपर के तार लपेटे होते हैं, कॉइल जो होती है मोटर के अंदर पंखे के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टर। यानी कभी भी मैग्नेट बनाने के लिए इंडक्टर बनाया जाता है, कहीं भी हमें चुंबक वगैरह तैयार करनी है तो इंडक्टर लगाएंगे, और कभी भी हमें किसको, करंट को लीड करना है तो हम क्या लगाएंगे, कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां से ये सारा नोट डाउन करिए और फिर आगे फेजर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, यहां से इसको नोट डाउन करिए। तो देखिए भैया, जब भी हम फेजर की बात करेंगे तो फेजर कभी भी डेफिनेशन का मतलब नहीं होता है, कभी भी हमें फेजर की डेफिनेशन रटना है ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ फेजर बनाना सीखना है कि कैसे फेजर बनते हैं, ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच, ठीक है। फेजर दर्शाते हैं कभी भी फेज डिफरेंस को, वोल्टेज और करंट के बीच कितनी दुश्मनी और कितनी प्रेम मित्रता है, यानी अगर दो दुश्मन होते हैं, यानी दो लोगों के बीच एक शत्रुता बनी होती है तो दूर दूर भागते हैं, और प्रेम होता है तो पास पास आते हैं, समझे बात, तो फेजर उसी चीज को दर्शाता है। तो कभी भी जब फेजर लिखते हैं, वी इज ऑलवेज टेकिंग अ रेफरेंस, वोल्टेज को रेफरेंस लेकर चलते हैं जब भी हम फेजर लिखते हैं। तो कैसे लेंगे, जब भी हमें वोल्टेज और करंट के बीच क्या दर्शाना है, कोई भी एंगल दर्शाना है, एंगल बोले तो फाई, ठीक है, कभी भी एंगल दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, हम एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे इस तरीके से, याद रखना है, ऐसे लाइन खींचेंगे जिसका नाम है वी, वी बोले तो वोल्टेज। अब हम बताएंगे इस वोल्टेज से जो करंट है वो कितनी दुश्मनी पे है। मान लीजिए वोल्टेज से जो करंट है वो 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है करंट, ऐसे बनता है फेजर, बन गया फेजर, यही तो फेजर है, यानी कि इस तरीके से लाइनों का खींचना ही फेजर कहलाता है। ये लाइन क्या दर्शाती है, कभी भी वोल्टेज को रेफरेंस ले लो, कभी भी इस लाइन को खींचोगे तो वोल्टेज को दर्शाएगी, यानी एक लाइन रेफरेंस ले लिए, वोल्टेज को रेफरेंस ले लिए, अगर इसके ऊपर आप इस तरीके से लाइन खींचोगे तो ये ऊपर जाती हुई लाइन तो लीड को दर्शाती है, यानी कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। अगर इसी लाइन को हम नीचे की तरफ खींच दें, नीचे की तरफ खींच दें तो ये लैग दर्शाती है, कहने का मतलब अगर वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है तो ऊपर की तरफ खींचो, और वोल्टेज से करंट लैग कर रहा है तो लाइन को नीचे की तरफ खींच दो। अच्छा तो सर क्या 90 डिग्री पे खींचेंगे इस लाइन को, नहीं बिल्कुल नहीं, आप इसको यहां खींच लो, 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 यानी अलग अलग एंगल्स पे खींच सकते हैं लाइन को,
यानी कि नीचे आती हुई लाइन हमेशा किसको दर्शाएगी, करंट लैग को, करंट लैग को, और ऊपर जाती हुई लाइन हमेशा दर्शाएगी करंट लीड को। तो आपको यहां से इतना समझ में आया कि रेफरेंस लाइन से अगर अपवर्ड जा रही है करंट वाली लाइन तो दर्शा रही है लीड, यानी करंट लीड कर रहा है यहां, और रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ आ रही है करंट वाली लाइन तो वो दर्शा रही है किसको, करंट लैग कर रहा है। तो ये मतलब हुआ लीडिंग और लैगिंग का, हमेशा वोल्टेज को ही रेफरेंस लाइन लेके चलें। तो हम सर आपको फेजर, तो सर हमको फेजर लिख के दिखाइए ना, पहले इंडक्टर का फेजर लिखिए, फिर कैपेसिटर का लिखिए, और फिर रेसिस्टर का लिखिए फेजर। हाँ बिल्कुल दिखाते हैं, यहां से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमने आपकी सहायता के लिए यहां पर ऊपर जाती हुई लाइन दर्शा दिया कि करंट लीड कर रहा है, नीचे आती हुई लाइन रेफरेंस लाइन से, यानी ये क्या है हमारी रेफरेंस लाइन, यानी वोल्टेज वाली लाइन को क्या बोलेंगे, रेफरेंस लाइन, और नीचे आती लाइन करंट लैग को दर्शा रही है, ठीक है, किसी भी एंगल पे। तो मान लीजिए हमें किसके लिए फेजर लिखना है, इंडक्टर के लिए लिखना है, तो हमें इंडक्टर में पता होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे कि लीड करता है लैग करता है, सबसे पहले हम इंडक्टर में लगाएंगे ट्रिक CIVIL, तो VIL बोले तो लास्ट में इसमें इंडक्टर छिपा है इस ट्रिक में, यानी कहने का मतलब इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है करंट से, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है भैया, वोल्टेज लीड करता है करंट से, तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा भैया, जब वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट लैगेगी, करेगा, सीधी सी बात है। तो रेफरेंस लाइन खींचेंगे वोल्टेज, और क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, तो करंट की लाइन नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब हमें ये नहीं पता है कितने डिग्री कर रहा है, तो कहने का मतलब मान लीजिए 90 डिग्री कर रहा है, तो यानी कि वोल्टेज लीड कर रहा है और जो करंट है हमारा वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो ये जो फेजर हुआ, ये फेजर हुआ इंडक्टर के लिए, यहां से फेजर बनाना सीख लीजिए, दोबारा सीखिए, सबसे पहले ट्रिक लगाइए। तो ट्रिक क्या बोल रही है, VIL यानी वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है इंडक्टर में, ठीक है। तो यानी रेफरेंस में हमेशा वोल्टेज को लो, यानी रेफरेंस लाइन में हमेशा वोल्टेज को लो, और करंट अगर लैग कर रहा है तो लैग खींच दो। तो मान लीजिए हमें कैपेसिटर के लिए लिखना है फेजर, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम कैपेसिटर के अंदर ट्रिक लगाएंगे CIVIL। तो कैपेसिटर को स्टार्टिंग में तीन वर्ड दर्शाते हैं, यानी CIV किसके लिए होता है, कैपेसिटर के लिए होता है। तो कहने का मतलब कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से, तो रेफरेंस किसको लेंगे, हमेशा वोल्टेज को, या हमने वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया, ले लिया जी। अब यहां क्या है, करंट लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, करंट लीड करता है वोल्टेज से, अच्छा करंट लीड कर रहा है तो लाइन को ऊपर ले जाओ इस तरीके से, यानी कि लीड की लाइन ऊपर चली जाती है, और यहाँ एंगल है, मान लीजिए 90 डिग्री एंगल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कैपेसिटर का फेजर ऐसे बनेगा, रेफरेंस लाइन से ऊपर जाते हुए, और करंट का फेजर, इंडक्टर का फेजर ऐसे बनेगा। तो सर रेसिस्टर का फेजर कैसे बनेगा, वो भी सिखा दीजिए, बिल्कुल सिखाएंगे। अब यहां से आप रेसिस्टर का फेजर देखिए, यानी रेसिस्टेंस वाला फेजर देखिए। तो रेसिस्टेंस का मतलब हमने बताया था आपको, ना तो लीड होता है ना ही लैग होता है, वहां लव होता है वोल्टेज और करंट के बीच। तो कहने का मतलब वोल्टेज को रेफरेंस ले लिए हम, वोल्टेज को क्या ले लिए, रेफरेंस, और हमने ये बोला था इनके बीच कोई एंगल नहीं होता है वोल्टेज और करंट के बीच। तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी करंट वाली लाइन, यानी V और I सेम फेज में होंगे, यानी सेम लाइन। तो रेसिस्टर के लिए फेजर ऐसा बनेगा। अब आपने फेजर बनाना सीख लिया है अच्छे से, दो तीन फेजर और बना के देखिए। यहां से आपको याद हो गया इंडक्टर का फेजर ये होता है। अब ये रियल फेजर है, कभी भी 90 डिग्री ही लैग और लीड होता है इंडक्टर और कैपेसिटर में, समझे बात, याद रखना। प्योर इंडक्टर लीड, प्योर इंडक्टर में जो वो होता है आपका वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है करंट से, और प्योर कैपेसिटर में जो करंट होता है वो 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज से। यानी कि ये जो एंगल लिखा है मैंने 90 डिग्री, ये बिल्कुल एक्यूरेट एंगल है प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। यानी कि ये फेजर आप छाप लीजिए अपनी कॉपी में, बिल्कुल एक्यूरेट फेजर हैं। अब जो मैं आगे फेजर बनाऊंगा वो एग्जाम्पल के लिए होंगे, ये तो हुए एक्यूरेट फेजर जो होते हैं रियलिटी में। अब जो आगे एग्जाम्पल लिखवाऊंगा मैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए होंगे, फेजर बनाने के लिए, ठीक है। यहां से इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहां से आप एग्जाम्पल सीखिए कि एग्जाम में कैसे आ सकता है फेजर से क्वेश्चन। वोल्टेज लीड्स बाय 30 डिग्री फ्रॉम करंट,
यानी करंट से जो है वोल्टेज 30 डिग्री लीड कर रहा है, तो इसका फेजर बनाइए। तो हमने आपको सिखाया था कभी भी फेजर बनाने के लिए सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन लेते हैं जिसका नाम होता है वोल्टेज। वोल्टेज को रेफरेंस ले लिए, अब वोल्टेज कितने डिग्री लीड कर रहा है करंट से, 30 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो 30 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। भाई जब लीड कर रहा है तो समझ गए ना आप, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है तो सीधी सी बात है करंट पीछे होगा 30 डिग्री, उल्टा हो जाता है ना। तो 30 डिग्री कितना बैठता है, ये होता है आपका 90 डिग्री। 90 का आधा ले लो 45 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री होता है ना, करंट को लैग कराना है 30 डिग्री। तो आप अंदाजे से ही अप्रोक्सीमेटली यहां मान लीजिए 30 डिग्री, तो इन दोनों को कर दीजिए आप रफ, यानी कि आपको कोई प्रोटेक्टर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मनमर्जी से बना सकते हैं फेजर को, ठीक है। तो ये हो गया कि जो 30 डिग्री और ये हो गया करंट, बन गया फेजर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी आ सकता है एग्जाम में फिगर बन के, आपको ये ऑप्शन आ सकता है या ये आ सकता है। आपको याद रहना चाहिए कि अगर फिगर आ जाए तो थ्योरी कैसे बनाना है उसका, अगर थ्योरी आए तो उसको फिगर कैसे बनाना है, ठीक है। तो यानी कि वोल्टेज लीड कर रहा है 30 डिग्री करंट से, यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से कैसे आ सकता है सीख लीजिए आप यहां से। करंट लैग बाय 30 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे आ सकता था, अब हमने आपको यहां लिख दिया है कैसे। करंट लैग्स बाय 30 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज, कहने का मतलब करंट 30 डिग्री लैग कर रहा है वोल्टेज से, तो बात तो वही हुई, यानी कि या तो वोल्टेज को लीड करा दो या करंट को लैग करा दो, बात तो एक ही हुई ना। यानी कि चाहे तो इस क्वेश्चन को दे दे एग्जाम में, चाहे इसको दे दे, बात एक ही है। तो आपको ये आना चाहिए फेजर बनाना, ठीक है। अब यहां से एक और क्वेश्चन सीखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए कि कैसे लिखते हैं फेजर, ठीक है। ये तो आपने बहुत आसानी से सीख लिया, एक और सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज लैग्स फ्रॉम करंट, यानी वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से 45 डिग्री से। तो सबसे पहले आप कुछ भी सोचे बिना सबसे पहले रेफरेंस लाइन ले लेंगे वोल्टेज की, और वोल्टेज भैया लैग करता है किससे, करंट से। तो सीधी सीधी बात है करंट लीड कर रहा है ना, कितने डिग्री लीड कर रहा है सर, 45 डिग्री लीड कर रहा है। तो 45 डिग्री यहां बनता है, हो गया 45 डिग्री, क्योंकि यहां 90 है ना, 90 का आधा 45, ठीक है। तो ये क्या हो गया करंट, यानी करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से 45 डिग्री और बन गया फेजर, ठीक है। मान लीजिए यहां क्या होता, यहां होता 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए फेजर कहां आ जाता, आपका यहां आ जाता, ठीक है ना, ये वाला ना आके वो आ जाता था। तो आपको फेजर बनाना आना चाहिए, फेजर बनाने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइंड लगाना है, सिर्फ और सिर्फ सीखना है इन बातों को कि लीड और लैग के बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहां से आपका फेजर क्लियर होता है, और मैं लिखवा देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडक्टर और कैपेसिटर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको यहां से नोट डाउन कर लीजिए आप, क्या है यहां से नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको बहुत बड़े लेक्चर में समझाया जाता है 1 से 1.5 घंटे में, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को मैं 5 मिनट में क्लियर करूंगा आपके लिए, ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसको कभी किताबों में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि एब्जॉर्प्शन मतलब खपत, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत होती है, कंपोनेंट बोले तो क्या, पंखा ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, इंडक्टर ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, कभी भी जहां मैग्नेट की बात होगी वहां इंडक्टर लगा होगा, यानी कि पंखे के अंदर चुंबक बनती है तो वहां इंडक्टर लगे होते हैं, और कभी भी पावर फैक्टर को इंक्रीज करने की बात होगी तो वहां कैपेसिटर लगा होगा, यानी करंट को लीड करने की बात होगी, ठीक है। किसी भी चीज में अगर धक्का लगाना है, यानी जैसे पंखे में धक्का लगाने के लिए, तेजी से घुमाने के लिए कैपेसिटर का यूज होता है, और उसके अंदर मैग्नेट बनाने के लिए इंडक्टर का यूज होता है, समझे बात। तो उनमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज यानी कि करंट की कैसे खपत होती है अलग अलग कंपोनेंट्स में, उसी चीज को आपको समझाऊंगा, ठीक है। कभी भी अगर रेसिस्टर की बात हो तो रेसिस्टर का मतलब होता है भैया लोड, आप समझ जाना, जब भी रेसिस्टर की बात हो रही है, यानी ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है, यानी कि ये जो फिगर बन रहा है इस फिगर से हमेशा किसको दर्शाया जाता है, रेसिस्टेंस को दर्शाया जाता है, आप सभी ने देखा होगा।
तो रेसिस्टेंस कभी भी आपके घरों में या कहीं भी रियलिटी में लगा नहीं होता है, वो लोड को ही रेसिस्टेंस बोलते हैं। मान लीजिए कोई बोल रहा है पंखा लगाए, तो किताब में पंखा बना के थोड़ी ना दिखाया जाएगा, उसका रेसिस्टेंस लिख दिया जाता है किताब के अंदर, ठीक है। फ्रिज लिखना है तो फ्रिज ना लिख के रेसिस्टेंस लिख देंगे, यानी रेसिस्टेंस का मतलब सीधे सीधे क्या होता है, लोड होता है। तो जब भी हम रेसिस्टेंस पर वोल्टेज लगाते हैं, यानी वोल्टेज लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंजप्शन होता है। सिटी का क्या होता है, कंजप्शन, कंजप्शन बोले तो खपत होती है। भैया जब ये खाएगा इलेक्ट्रिसिटी को, कुछ खर्च करेगा, तभी तो कुछ काम कर पाओगे। मान लीजिए बल्ब लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करेगा, तभी तो बल्ब आपका ग्लो कर पाएगा। और उसी चीज का क्या आता है, आपके घरों में टैरिफ बनता है, जितना कंजप्शन होता है, ठीक है। यानी कि कभी भी याद रखनी है, रेसिस्टेंस इज ऑलवेज कंजप्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो इंडक्टर होता है, ये वाला क्या, किसका सिंबल है, इंडक्टर का। इंडक्टर बोले तो क्या, आपके पंखे के अंदर जो कॉइल लगी हुई है तो उसको इंडक्टर बोल देते हैं, ठीक है, ये सिंबल है इंडक्टर का। तो जब इंडक्टर पे हम वोल्टेज लगाते हैं, भैया रेसिस्टर पे लगाया गया, अब इंडक्टर पे लगा के देख लीजिए, जब इंडक्टर पे लगाते हैं, ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को, किसी भी पावर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये जो होते हैं आपके इंडक्टर और कैपेसिटर, कैपेसिटर बोले तो कंडेंसर और इंडक्टर बोले तो कॉइल, ठीक है, ये कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को खाते नहीं है। यानी जैसे रेसिस्टर खा जाता है ना इलेक्ट्रिसिटी को, यानी इलेक्ट्रिसिटी को हीट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देता है, ये देखा होगा आपने पानी गर्म करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये जो होते हैं ना इंडक्टर और कैपेसिटर, ये कभी ऐसे नहीं करते हैं, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्जन, ये सिर्फ कुछ समय के लिए उसको स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं, ये कभी खपत नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, समझे बात। तो यहां से आप लिख लीजिए, नो एनी पावर एब्जॉर्ब इन प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर में कभी भी पावर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। एग्जाम में पूछा जाएगा विच डिवाइसेस और विच कंपोनेंट एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको सीधे सीधे वहां रेसिस्टर लगाना है। कभी भी इंडक्टर और कैपेसिटर इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जैसे कि एक सेकंड के लिए स्टोर कर दिया और फिर दोबारा से छोड़ दिया, ऐसा नहीं है एक बार स्टोर कर लिया तो उसको खा गए पेट में, सिर्फ और सिर्फ। अब ये जो रेसिस्टेंस होता है, ये ऐसा होता है अगर इसको खाना दे दिया ना तो उसको पेट में खा जाएगा, पचा जाएगा। लेकिन ये जो होते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर, ये ऐसे हैं, इनको खाना दोगे तो उसको कुछ समय के लिए रखेंगे और फिर दोबारा से वापस दे देंगे। यानी कि इनकी क्वालिटी ये है, एग्जाम में पूछा जाता है विच डिवाइसेस नो कंजप्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इंडक्टर और कैपेसिटर, दिस डिवाइस ओनली स्टोर्स एनर्जी, समझे बात। यानी कि जो इंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को किसकी फॉर्म में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है और कुछ समय के बाद रिलीज भी कर देता है, और कैपेसिटर इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और कुछ समय के बाद रिलीज भी कर देता है। तो यहां से आपको एक पॉइंट मिला, एक क्वेश्चन मिला, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, अब इसी को आप फिगर बना लीजिए और इसको लिख लीजिए और मैं इसकी थ्योरी लिखवा देता हूं यहां से, ठीक है। इसकी थ्योरी देखिए, नो पावर एब्जॉर्ब इन प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई भी पावर एब्जॉर्ब नहीं होती है। थ्योरी देखिए, नो पावर एब्जॉर्ब इन प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई भी पावर एब्जॉर्ब नहीं होती है, यानी खपत नहीं होती है पावर की, ये केवल और केवल स्टोर करते हैं कुछ समय के लिए। जबकि पावर एब्जॉर्ब जो होती है, पावर एब्जॉर्ब इन ओनली रेसिस्टर्स, पावर एब्जॉर्ब सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर्स के अंदर होती है। अब रेसिस्टर कहाँ होते हैं, तो यार रेसिस्टर तो सारा ही कुछ है ना, आपके घर में जो भी कुछ लगा है, फ्रिज है वो भी एक रेसिस्टर है, पंखा है वो भी एक रेसिस्टर है। कहने का मतलब ये हुआ, आप ऐसे समझ लीजिए, ये क्या है, एक फैन, ये क्या है, एक ये एक फैन है, इस तरीके से आप समझ लीजिए फिगर के लिए, ठीक है। ये क्या है, पंखा, तो इस टोटल पंखा को मैं रेसिस्टर बोल दूंगा, ठीक है, रेसिस्टर कह दूंगा कि अगर इस पर मैं इलेक्ट्रिसिटी लगाता हूं तो एक खपत करता है इलेक्ट्रिसिटी की कुछ, ठीक है, करता है। अब इसी के साथ एक छोटा सा बच्चा लगा है जिसका नाम है क्या, कैपेसिटर।
तो ये बच्चा जो है इलेक्ट्रिसिटी को खाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टोर करता है, ये इसका मतलब ये हुआ। और इसके अंदर जो कॉइल हैं वो है इंडक्टर, वो भी नहीं खाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो भी स्टोर करते हैं। तो सर जब इस पूरा का पूरा रेसिस्टर था, इसने इलेक्ट्रिसिटी खाई है, तो ये इसका बच्चा जो है जिसका नाम है कैपेसिटर और इसके अंदर जो कॉइल लगी है जिसका नाम है इंडक्टर, ये क्यों नहीं खा रहे? जब ये दोनों नहीं खा रहे तो ये कहां से खा ले रहा है? भैया ये तो नहीं खा रहे, लेकिन इसमें जो हीट पैदा हुई चलने के कारण, आपने देखा होगा पंखा गर्म होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाता है, इसीलिए कोई भी फैन वगैरह इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कर पाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ यहां से पावर एब्जॉर्ब जो होती है, पावर की खपत जो होती है, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर में होती है, ना कि प्योर कैपेसिटर और इंडक्टर में। ठीक है, और इस एब्जॉर्प्शन का ही, ये जो पावर एब्जॉर्ब शब्द है, इसी को क्या बोलते हैं, बिल, BIL, इसी का हमको क्या आता है, टैरिफ बोलते हैं ना, कि हमारा इतना बिल आ गया महीने में, इसी की वजह से बिल बनता है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सारा कुछ समझते जाओगे। ठीक है, तो यहां से इसको नोट डाउन करें। ठीक है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि प्योर इंडक्टर लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री फ्रॉम करंट। ये कहां से हमें पता चला? ये हमें पता चला इस ट्रिक से, CIVIL, ये ट्रिक हमको याद है, यानी कि अगर ये ट्रिक याद है तो ये सारे के सारे पॉइंट इस ट्रिक के अंदर छिपे हैं। ठीक है, यानी कि जो इंडक्टर होता है, यानी कि प्योर इंडक्टर, इंडक्टर प्योर ही होते हैं हमेशा। ठीक है, यानी कि प्योर इंडक्टर लीड्स द वोल्टेज, इंडक्टर रियलिटी में होते क्या है, यानी कि अगर ये कॉपर का तार है, इसको गोल गोल इस तरीके से कॉइल बना दूं तो ये इंडक्टर कहलाता है। ठीक है, प्योर इंडक्टर लीड्स द वोल्टेज, यानी प्योर इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री से लीड करता है करंट से। दूसरी डेफिनेशन क्या है, प्योर इंडक्टर लैग्स द करंट बाई 90 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज। तो ये वैसे ही है जैसे राम का भाई श्याम है, तो दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, श्याम का भाई राम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्योर इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री करंट से, तो दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि करंट 90 डिग्री लैग करता है वोल्टेज से। वैसे ही आप दो डेफिनेशन कैपेसिटर के लिए भी लिख सकते हो, कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है 90 डिग्री वोल्टेज, और वोल्टेज लैग करता है करंट से 90 डिग्री। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए। अगर ये ट्रिक पता है तो सारा का सारा लीडिंग और लैगिंग का फंडा क्लियर हो जाता है इसी ट्रिक की सहायता से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, तो कहने का मतलब ये हुआ, कभी भी जब आप फिजिक्स को या इलेक्ट्रिकल फिजिक्स को स्टडी करें, उसकी थ्योरी को ना पढ़ें, यानी कि किताब में जैसा लिखा है डिट्टो याद कर लिए और हो गए फिजिशियन, उसके कॉन्सेप्ट को समझें और उसको एक अलग ही तरीके से स्टडी करें, यानी कि जैसे आप घरों में यूज करते हैं उसको, यानी कि जब आप प्रैक्टिकली और थ्योरिटिकली कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी कमिंग सून विद नेक्स्ट चैप्टर। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।